भैया कड़कनाथ। तुम 7-8 हजार रुपए का एक मुर्गा? हाँ। मैं हूँ दिल्ली की INA मार्केट में, जहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारा सी फूड। सी फूड के अलावा यहाँ पे आपको पोर्क भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, फिश की बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। तो ये सामने भाई हैं, तो भाई बताएंगे एक बार कौन कौन सी मछली है। कौन सा मछली है? देखो ये हिलसा है, 2000 रुपए किलो। 2000 रुपए किलो? हाँ। तो ये कहाँ का मछली होता सर? ये बांग्लादेश का है। कितने किलो का मछली है ये? लगभग 10 किलो का है। ये 10 किलो का, मतलब 5000 रुपए का एक मछली। हाँ जी। ये स्क्विड बोलता है, कालामारी बोलता है इनको। स्क्विड और कालामारी? यस। और इसका फेस चेहरा दिखाएंगे भाई, चेहरा क्या होता है? चेहरा ये देखिए। वाह भाई ये देखिए। तो ये नीचे इसका मुंह तो वैसा लग रहा है ऑक्टोपस जैसा बिल्कुल। हाँ जी ऐसे बनता है। ये सी क्रैब है। ये सी क्रैब है, इतना कलरफुल। हाँ जी। तो ये कैसे देते हो एक बार? ये जिंदा वैसे क्या है? ये जिंदा नहीं है, समुन्द्र से आता है मर जाता है। अच्छा। और इसके कांटे वांटे काटता भी? कोई काटता वाटता नहीं है। ये देख लो भाई, यहाँ पे जिंदा क्रैब भी मिल जाएगा आपको। और ये देखिए, ये चल तो रहा नहीं है जिंदा कहाँ से। अच्छा चल रहा है। तो ये देखो भाई, पूरा जिंदा क्रैब है ये पूरा का। ये क्या भाव देते हो? ये देखिए, ये यहाँ पे ऑक्टोपस 6 पैर वाला भाई, कोरियाई फूड है, मगर यहाँ पे आपको दिल्ली के अंदर ही मिल जाएगा। ये 6 पैर है, ये इसका सामने मुंह है, इसकी आँखें हैं। इसको उबाल के खाया जाता है, इसके अंदर ग्री के अंदर यहाँ पे मांस निकलता है, इसको खाया जाता है यहाँ पे। और ये साथ में अपने ऑयस्टर भी है। और भाई आपको लगेगा पत्थर है, ऑयस्टर ये आपको लगेगा पत्थर जैसा है, लेकिन ये पत्थर नहीं है, इसके अंदर मांस निकलता है। इसको उबालेंगे फिर इसके अंदर से मांस निकलेगा उबालने के बाद। और ये देखिए पत्थर जैसा कुछ लगता है, ये आपने मिस्टर बीन वगैरह में देखा होगा, और मैंने तो यहाँ पे पहली बार देखा। और भाई जिन भाइयों को नहीं पता कि INA में ये सब चीज़ें मिलती है, तो आप भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉन्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ये देखिए, तो ये कौन सा प्रॉन होता है भैया? टाइगर प्रॉन। ये टाइगर प्रॉन, ये क्या भाव होता है? 800 रुपये किलो। 700 रुपये? ठीक है। और ये? ये सारे छः। अच्छा ये सारा टाइगर प्रॉन है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। ये 650 है। ये 600 रुपये? ये 650। ये 650। अच्छा साइज का फर्क है। और बड़ा प्रॉन है कोई? बहुत बड़ा प्रॉन अपने पास? तो भाई ये देखिए, ये पूरा जंगली प्रॉन है, जंबो प्रॉन। ये क्या भाव होता है? 1200 रुपये किलो। एक बार थोड़ा पास से इसके आंखें वाके दिखाइए, मुंह दिखाइए। भाई ये देखो क्या खतरनाक प्रॉन लग रहा है। ये जंगली वो समुद्री होता है, नदी वाला होता है? ये नदी का तालाब, मीठे पानी वाला। बसीघाट का? बसीघाट का। ये कहाँ से आता है वैसे? बसीघाट से भाई। अच्छा बसीघाट से। दुकान का एड्रेस भी देख लीजिए, शॉप नंबर 202 INA मार्केट, फोन नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मुर्गे मिलेंगे, और ऐसे ऐसे मुर्गे खतरनाक वाले। तो भाई अंकल ये कौन सा मुर्गा है? ये टर्की है भाई साहब। टर्की? इतना बड़ा मुर्गा? हाँ। कितने किलो का है ये? 6 किलो का है। और इसकी गर्दन भी बहुत पतली सी लग रही है। हाँ, गर्दन पतली होता है, वजन भारी होता है। और ये पूरा मुर्गा कितने का होगा, कितने किलो का होगा? लगभग 10-12 किलो का होता है। और कितने का होगा लगभग? 700 रुपये किलो। लगा लो कितने का? 7-8 हजार रुपये का एक मुर्गा। और ये डक कैसे? ये 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो। और अपने पास वो होता है जो खतरनाक वाला मुर्गा, कड़कनाथ? हाँ वो भी होता है। दिखाओ एक बार कड़कनाथ भी दिखाओ। वो भी दिखा देता हूँ कड़कनाथ जी। आओ हर जा बोला भी भी। तो ये देखो भाई, यहाँ पे देसी मुर्गे मिल जाएंगे अपने, और आप दिखाने वाले आपको कड़कनाथ। भाई दिल्ली की मार्केट में आपको कड़कनाथ का मुर्गा ही मिलेगा। ये देखो भाई अपना आ रहा है अंदर से कड़कनाथ। ये देखो जी, वाह भैया कड़कनाथ। तो अंकल क्या खासियत होती है इसकी? इसके मीट भी काले होते हैं। अच्छा। खून भी काले, अंडे भी काले, सारे काले होते हैं। मतलब सब कुछ काला? हाँ। इसके पंजे भी देखो, पंजे भी काले, सारे काले हैं ये। इसकी आंखों की पुतली तक काली है। हाँ। बहुत बढ़िया। क्या भाव है ये? 800 रुपये किलो भैया। 800 रुपये किलो।